नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधारहीन और एजेंडा वाली पत्रकारिता की। कल ही मैं सुन रहा था इंडिया टीवी के पत्रकार को, जो असदुद्दीन अवैसी से पूछ रही थी एक्चुअली कि आप हमेशा राम मंदिर के मुद्दे पर ही बोलने क्यों आते हैं। असदुद्दीन अवैसी इस पर काफी हंसे और इसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग हमेशा मुझे उस मुद्दे पर ही बुलाते हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या, आप लोग मेरे साथ जो गेस्ट आए रहते हैं उन्हें भी आप उसी मुद्दे पर बुलाते हैं, कभी आप क्रिकेट पर डिस्कशन करने के लिए बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। तो न्यूज चैनल्स भी ये जानते हैं कि अगर राम मंदिर का मुद्दा हो और असदुद्दीन अवैसी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो टीआरपी काफी बढ़ेगी। असदुद्दीन अवैसी भी ये जानते हैं, उन्होंने हंस का इसका जवाब दिया और जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के साथ संबित पात्रा को बुलाना होगा जिससे व्यूअरशिप और बढ़ेगी। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को बुलाना पड़ेगा जिससे व्यूअरशिप और बढ़ेगी। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु आ जाएंगे, कुछ आरएसएस से आ जाएंगे, कुछ विहिप से आ जाएंगे, कुछ और वरिष्ठ पत्रकार आ जाएंगे और माहौल बनेगा एक ऐसा जो कि व्यूअरशिप को बढ़ाएगा, जिससे चैनल्स की रेटिंग बढ़ेगी और उसके बाद चैनल को अच्छे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, चैनल को दामी एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे प्राइम टाइम में। तो अब ये जो बात है कि ये पत्रकार जो आजकल पत्रकारिता कर रहे हैं, ये कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे रुबिया लियाकत जो जीने जो पत्रकारिता करती हैं, ये एक दिन एक मौलाना से बोल रही थी कि मैं तो गायत्री मंत्र गाऊंगी, आप मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दो। ये उन्हें भड़का रही थी, लास्ट में वो भड़के और उन्होंने वहां से उठे और कुछ अपशब्द भी कहा उन्होंने, उसके बाद चले गए। देखिए कैसे मौलाना साहब अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि जो न्यूज एंकर थी जी न्यूज की, वो उन्हें कैसे भड़का रही थी। तो जैसा कि असदुद्दीन अवैसी ने क्लियर किया कि ये लोग हमें वैसे मुद्दे पर बुलाते ही हैं जिससे इनका मार्केट चले, ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को बुलाते हैं। अब आती है बात आधारहीन पत्रकारिता की। अब हम आधारहीन पत्रकारिता की तरफ कैसे मुड़ गए, क्योंकि कल दीपक मिश्रा जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं भारत के, उन्होंने कहा कि पत्रकार आधारहीन पत्रकारिता और जो इमेजिनेशन करते हैं वो लिखना बंद करें और रियलिटी, ट्रूथ या प्रश्न पूछना चालू करें। क्योंकि पत्रकार प्रश्न पूछ सकता है, कोई पत्रकार आके मुझसे ये पूछ सकता है कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई की है, उसके बाद ये उत्तर दे सकता है कि हाँ इस बंदे ने इतनी पढ़ाई की, इनको ज्ञान नहीं है। भैया आप भगवान नहीं हो, जैसा कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप पोप नहीं हो। ये लोग सारे जो फैसले लाते हैं आजकल, मुझे लगता है कि तुगलकी फरमान जारी करते हैं पत्रकार, जैसा कि जारी किया जैसा और द वायर के केस में जैसा जारी हुआ कि द वायर ने लिखा कि जैसा जो कि अमित शाह के बेटे हैं उनकी संपत्ति इतनी दोगुनी हो गई, उनकी कंपनी को इतना फायदा हुआ है 2014 में मोदी सरकार आने के बाद। तो उस इमेजिनेशन के खिलाफ जैसा ने केस फाइल किया, जो मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा को यह कहना पड़ा कि आप लोग पत्रकारिता संभल कर करें। उन्होंने कहा कि उन वेबसाइट को भी नहीं बख्शा जाएगा, मेरी ये सलाह है कि जो अलूल तलूल बातें लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर और मुद्दे को कहीं से कहीं भड़काते हैं। यूट्यूब पर कभी कभी आता है न्यूज कि भाजपा में हुई फूट, योगी ने दिया इस्तीफा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा लगता है कि योगी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा न्यूज वहां आ जाता है। कभी लिखा जाता है कि राहुल छोड़ रहे हैं कांग्रेस, अब जाकर इटली में करेंगे राजनीति। और एक बात और है, जैसा कि वरिष्ठ ब्लॉगर अमित अग्रवाल ने लिखा था कि गूगल आजकल फेक न्यूज को भी प्रमोशन देती है अपनी एडसेंस को चलाने के लिए, क्योंकि गूगल को भी व्यूअरशिप चाहिए। अगर गूगल की व्यूअरशिप कम हो जाएगी तो उन्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे अपने गूगल एड्स को लेने के लिए। मान लीजिए आप ही गूगल में एड दे रहे हैं तो आप देखेंगे गूगल में व्यूअरशिप कम हो गए तो मैं गूगल में एड क्यों दूं, मैं फेसबुक में एड दूंगा जहां लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा लोग मेरे एड्स को देख पाएंगे। तो अमित अग्रवाल ने दुख व्यक्त किया था और कहा था कि इन फेक न्यूज के प्रमोशन में गूगल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग नहीं जानते हैं अमित अग्रवाल को, वो गूगल में सर्च करें, अमित अग्रवाल एक काफी फेमस ब्लॉगर हैं। उन्होंने इतना दुख जताया था, मैं उनको डिजिटल इंस्पिरेशन नाम का उनका फेसबुक पेज है, मैं उसको फॉलो करता हूं, वहां मैंने देखा था। इन सब चीजों से मनुष्य को हमेशा जुड़ा रहना चाहिए कि फेक न्यूज को आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वेबसाइट पे आता है कि आप सच्चे हिंदू हो तो यह शेयर करो, तो ऐसी भावना को शेयर करने से आपको जो लोग पसंद करते हैं फिर वो भी शेयर करेंगे। तो पहले आप जांच कर लीजिए जो चीज को भी आप शेयर कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। कुछ होता है कि 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा हमारी मिसाइलों से पाकिस्तान, ऐसा नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब पाकिस्तान के पास एक ऐसा बम आ गया जो भारत को समाप्त कर देगा एक ही चुटकी में, ये भी संभव नहीं है। इन न्यूज को जांच करें भड़कने से पहले और भड़काने से पहले, स्वयं जांच करें कि ये क्या ये चीज सही है,
और इन चीजों को जांच करने के बाद ही कोई चीज शेयर करें। जैसा जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है, हम सभी मीडिया वालों से आग्रह करेंगे कि कोई भी न्यूज जो फेक हो उसको बढ़ावा ना दें। गूगल से भी मेरी अपील है, शायद उनके पास पहुंचे कि वो भी फेक न्यूज को अपने एडसेंस के प्रमोशन के लिए बढ़ावा ना दें। इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।